हेलो फ्रेंड्स, इस साल आसान टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्मार्ट फैन दिखाऊंगा जो कि मेड इन इंडिया है और आपके 2021 के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये है एटमबर्ग का स्मार्ट फैन, एटमबर्ग रेसेना 600 mm। इसे मैंने अमेजन से 3140 रुपये मंगाया है। जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, एटमबर्ग रेसेना। ये देखिए एटमबर्ग। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर। ये आप जानते हैं, अगर आप फैन के बारे में जानकारी रखते हैं, BLDC मोटर सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये मोटर के लाइफ स्पान को बढ़ाती है। रिमोट नाइट ग्लो, रिमोट से आप नाइट ग्लो यहाँ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और सेव्स अप टू 1500 रुपये पर ईयर, 1500 रुपये आपका एक साल में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करेगा ऐसा बताता है। हाई एयर डिलीवरी एंड कवरेज और LED इंडिकेटर। रेसेना 600 mm व्हाइट एंड ब्लैक मैंने मंगाया है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो कि मेन चीज है, ये आपका LED इंडिकेटर वाला है। यहाँ आपको LED जलेगी, ये इसका मोटर। फिर आपको फैन कवर मिलता है, ये मिलता है आपको स्मार्ट रिमोट। ये देखिए ये स्मार्ट रिमोट, इसमें कई फीचर मिलते हैं। देखिए ऑन ऑफ LED, इसे आप क्लिक करेंगे LED जलेगा। स्पीड माइनस, स्पीड प्लस, बूस्ट, टाइमर और स्लीप। ये टोटली स्मार्ट रिमोट है और इसमें कुछ 2 बैटरियां लगते हैं और ये टोटली रिमोट से ही चलता है। और इसका रिमोट अगर ख़राब हो जाता है 100 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये एटमबर्ग का सीलिंग फैन का ब्लेड मिलते हैं, 3 ब्लेड वाले हैं। इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इसका ब्लेड सफ़ेद होना चाहिए क्योंकि मैंने सफ़ेद ऑर्डर किया था। कुछ ऐसे ब्लेड मिलेंगे, ये देखिए 1, 2 और 3 ऐसे ब्लेड मिलते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने फैन इंस्टॉल करा लिया है इलेक्ट्रीशियन से। वो देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये फैन, और इसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। रेगुलेटर से मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए रेगुलेटर है, ये बटन से ऑन कर रहा हूँ। इसमें रेगुलेटर को मैंने बाईपास करवा दिया, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए ऊपर ये ऑन नहीं हुआ। अब ये देखिए मेरे पास रिमोट है, देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिए है ऑन ऑफ LED, स्पीड माइनस, स्पीड प्लस, बूस्ट, टाइमर, स्लीप। मैं सब का आपको धीरे धीरे बताऊंगा, पहले से ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ये हुआ ऑन, ऊपर देखिए ये देखिए ये ऑन हो गया। अब ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। अब मैं इसकी स्पीड प्लस माइनस करता हूँ। स्पीड देखिए माइनस और प्लस। अब पंखे को देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं इसे सबसे पहले एक में चलाता हूँ। अब देखिए मैंने ऑन कर लिया है, एक LED चल रहा है। इसका मतलब इंडिकेशन है कि फैन 1 नंबर पे चल रहा है। अब देखिए 2, सुनिए इसका आवाज, 3, 4, आपको स्पीड दिखा रहा हूँ, 5, ये देखिए आवाज सुनिए, 6 चल रहा है। जितने हाइयर स्पीड चल रहा है, मैं LED बटन से, ये LED बटन है, इससे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए LED ऑन, LED ऑफ LED ऑन। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा दिखे तो LED आप ऑन कर लीजिए। आवाज सुनिए इसका, अच्छा आवाज आ रहा है। और ये देखिए एक बटन इसमें है बूस्ट, इसे करूंगा। इससे भी जो हाईएस्ट स्पीड है 135 mm, 840 rpm, 830 rpm उसमें चलेगा। ये देखिए बूस्ट, मैंने बूस्ट दबा दिया, ये अपने हाईएस्ट स्पीड पे चल रहा है। आप इसे देखते रहिए कितना अच्छा लग रहा है।
अब मैं आपको इसकी कुछ खासियत बता देता हूँ। ये सुपर एनर्जी एफिशिएंट BLDC मोटर लगा हुआ है इसमें, जो कि अपने हाईएस्ट स्पीड में 28 वाट कंज्यूम करता है, और ये आपको अश्योर करता है कि आपको 1500 रुपये एक साल का तो बचाएगा ही, और ये 20 फीट ऊंचाई तक आपको हवा दे सकता है, और इन्वर्टर में 3 टाइम लॉन्गर रन करेगा, यानी अगर नॉर्मल पंखा इन्वर्टर में 1 घंटा चलता है तो 3 घंटा चलेगा। और इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी है, यानी ये कंसिस्टेंटली इन्वर्टर में रन करता रहेगा, और इसमें इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी है, यानी इन्वर्टर में कंसिस्टेंटली और इसमें इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी है, यानी ये कंसिस्टेंटली इन्वर्टर में सेम स्पीड पे चलता रहेगा। 135 mm एयर डिलीवरी है और 830 rpm तक ये जा सकता है। ये देखिए रिमोट है, अब मैं आपको टाइमर और स्लीप दिखाता हूँ टाइमर चलाने पर। ये देखिए टाइमर, ये टाइमर यानी ये, अब देखिए टाइमर चालू होता है, ये टाइमर 1 घंटा था, अब 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ये 1, 2, 3, यानी 3 घंटे तक आप टाइमर सेट कर सकते हैं, 3 घंटे बाद ये बंद हो जाएगा। अब देखिए स्लीप बटन दबाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने स्लीप बटन दबाया है तो ये 4 LED लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब ये है स्लीप में कि हर 2 घंटे बाद आप जितना भी स्पीड सेट किए रहेंगे एक एक स्पीड गिरते चली जाएगी और एक में जाके थम जाएगी। यानी अगर आप रात को सोते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि शुरू में गर्मी रहती है, रात होते हैं तो ठंडी बढ़ती जाती है, तो इसके लिए स्लीप बोर्ड अच्छा है, वैसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था एटमबर्ग रेसिना का फैन, जो कि थोड़ा छोटा मैंने लिया है, तो केवल यहीं तक हवा दे रहा है, एयर डिलीवरी चारों तरफ चारों कोने में नहीं जा पा रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है और बहुत ही तेज़ चल रहा है, बूस्ट में और ज़्यादा तेज़ चलता है, और देखने में तो इसमें कोई जवाब ही नहीं, जो इसका लुक है बहुत अच्छा लुक है। अभी जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो जितने मैं खरीदा था उससे 100 रुपये इसका प्राइस और कम हो गया है, और इसकी जो बॉडी है एल्यूमिनियम बॉडी है हल्का होने के लिए, और आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, पास से अगर देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए अंदर इसके मोटर का वो दिखाई दे रहा है, जो बेयरिंग है ना कॉपर बेयरिंग, ये देखो दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एटमबर्ग रेसिना के बारे में। इसके बारे में और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें आसान टेक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।